धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग घोटाले के विरोध में कांग्रेस की कपकोट इकाई ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। कपकोट में नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने धर्म के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, साथ ही वित्तीय घोटाला भी किया है। फर्जी टेस्टिंग करने वाली कंपनी की भाजपा के नेताओं तथा मंत्रियों के साथ गहरी सांठगांठ है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं तथा मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी की है। धर्मनगरी हरिद्वार में कोविड जांच में जो फर्जीवाड़ा मिला है, उसके विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर कांग्रेस कमेटी कपकोट के माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रकाश खंडपाल जी के नेतृत्व में आज ये धरना और प्रदर्शन और जो पुतला दहन का कार्यक्रम था किया गया है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सरकार इसमें SIT जांच कराकर दोषियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं कहना चाहूँगा कि इस कोविड फर्जीवाड़े में, जांच के फर्जीवाड़े में पूरे उत्तराखंड की सांस पूरे देश में दांव पर लगी है। और निश्चित रूप से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें SIT जांच बैठाकर दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में जो कोविड घोटाला हुआ है, उस संदर्भ में नगर कांग्रेस कमेटी कपकोट हमारे नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष के संरक्षण में हम सब लोग यहाँ पे इसके विरोध में यहाँ पे धरने में बैठे। देशीय न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।